पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जलजला आया है। जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमीकंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी सीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाप जो हैं वो आप रकम कर रहे हैं। जो कल हुआ नाज़रीन, में कल रात जो कुछ हुआ वो सियासत के लिए अच्छा है और ना ही सियासत से जुड़ी मईशत और माशरत के लिए नेक शगुन। कल पार्लियामेंट में पुलिस ने अंदर घुसकर पीटीआई के बाज अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। इमरान खान का कहना है कि मैं आज से एस्टैब्लिशमेंट समेत हर फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है और आज से पार्टी को हदायत दे रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म की बातचीत कोई नहीं करेगा। और अब बाज़ाब्ता तौर पर मामलात खुली जंग की तरफ जा नहीं रहे बल्कि जा पहुंचे हैं। रात गए तमाम लाइट्स बंद करके पार्लियामेंट के अहाते से उठाया गया। उठाने वाले नकाब पोश थे, सो अगर FIR काटी गई तो नामालूम अफराद के खिलाफ काटी जाएगी। चूंकि सालिम रियासत को पार्लियामेंट के अंदर घुसकर गिरफ्तार करने वालों की पहचान नहीं हो सकी। लेकिन पार्लियामेंट का तकद्दस इस तरीके से पामाल होना कि बत्तियां आप बुझा दें और पार्लियामेंट के अंदर महसूर पार्लियामेंटेरियंस को उठा कर ले जाएं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमारी असेंबली थी ना कि डाका की असेंबली थी, एक घंटे की फुटेज देखने में मैं डाका की असेंबली थी या हमारी असेंबली थी? हमारी असेंबली। अच्छा चलो, मैं अच्छी पता लग गया ना, मैंने कहा डाका की असेंबली था। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आपने शुरू में सुना कि पाकिस्तान के अंदर जलजला आया है, तो जी हाँ, ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में लिटरली भूकंप भी आया है और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर भी ज़बरदस्त जलजला या भूकंप कह सकते हैं आया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया से जो खबर निकल के आ रही है उसमें काफ़ी बौखलाए हुए हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट यानी जिसे आप पाकिस्तान की संसद भवन कह सकते हैं, वहाँ पर नकाबपोश लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर घुस करके पाकिस्तान के सांसदों को, खासतौर से इमरान खान के सहयोगी सांसद थे, उनको उठा के ले गए, जिसको कई पाकिस्तानियों ने तो यह भी बोला कि उनको अगवा कर लिया। लेकिन सभी अजान समझ रहे हैं कि यह काम पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, यानी पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के संसद में घुस करके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको उठा के ले गए, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने पर क्या होता है। और आप पाकिस्तानी मीडिया के चैनलों को देख सकते हैं जिसमें कोई भी डायरेक्ट पाकिस्तानी आर्मी का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इस घटना के बाद तो और भी जो पाकिस्तानी मीडिया वाले ज़्यादा घबराए हुए हैं कि जब जो सांसद हैं उनके साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तानी मीडिया वालों की औकात ही क्या है। पाकिस्तान में ताहर साहब वहां पे तो जलसे जुलूस और CM गालियां दे रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट में गालम गलोच हो रही है, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान का नेशनल डिस्कोर्स किस तरफ है। दूसरे इंडिया की तरफ देखें, इंडिया UAE वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर ताहर साहब उन्होंने खोल दिया है, वो ट्रेड कॉरिडोर खोल रहे हैं, हमने एक दूसरे के पंजाबी कहने ने गल में फड़े रहे, जिसमें इमरान खान की पार्टी ने फौज पे बड़ी तनकीद की। फौज के लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर घुस के MNS को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट ये कह रही है हमारी सैंक्टिटी की वायलेशन हो रही है। जो कल एक खबर मैंने मजीद देखी कि सेमीकंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। और उन्होंने अमेरिकन इनिशिएटिव फॉर चिप्स जो 6 मुल्क है उसमें पहले मौजूद है, कोस्टरिका, इंडोनेशिया, कीनिया, पैनामा, फिलीपींस और वियतनाम, उसके साथ इस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है कि वो वहां पे चिप्स बनाए। पड़ोस में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एप्पल्स के फोन बना रहे हैं, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी सीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाप जो है वो आप रकम कर रहे हैं, जो बिलखसूस कल परसों जो कुछ है। सबसे पहले तो मैं जो कल हुआ जलसा में उसको और जो लफ्ज इस्तेमाल किए आपके गंडापुर साहब ने वहां पे, इसकी नजीर नहीं मिलती। उन्होंने पाकिस्तान के को तोड़ने का जो मंसूबा बनाया है, जो खासकर वो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने एक तो पंजाबियों और पठानों का लड़ाई करने, उनको आपस में उन्होंने लड़ाई के लिए नारे लगाए। फिर उन्होंने इस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए मरियम नवाज के लिए कि हम बारात लेकर आएंगे, हम पठान बारात लेकर आते हैं। फिर उसके बाद चीमा साहब, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की फौज को ललकारा, पाकिस्तान के सिस्टम को ललकारा कि हम 2 हफ्ते के अंदर खान साहब को निकालो वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे,
कभी बांग्लादेश के नक्शे वो पेश करते हैं, कभी बलूचिस्तान को तोड़ने के नक्शे पेश करते हैं, लेकिन उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, पाकिस्तान चलाने वालों को ब्लेम करूंगा। मैं एक बंदे को ब्लेम नहीं करूंगा, चीमा साहब अगले दिन भी मैंने आपके सामने बैठ गया था, 25 करोड़ लोगों को ब्लेम करूंगा, क्योंकि चलाने वाले अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, है तो वैसे उनके दिल दिमाग तो कैनेडा और लंदन में रहते हैं। हम पड़ोस की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, यूएई के साथ ट्रेड की बात करते हैं, आप पस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शिद ने कल कहा है बलूचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है, मेरी समझ से बाहर है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपके मेरे आई हैव नो क्लू अबाउट इट। सेमी कंडक्टर चीमा साहब 2049 2047 डेवलप्ड नेशन ऑन द प्लेनेट वर्सेस दिस। सर 4 बिलियन मांगे थे इन्होंने यूएई से, उन्होंने भी मना कर दिया है, सऊदी अरब भी नहीं दे रहा, डॉलर कोई नहीं दे रहा इनको। तो अब अगर वो नहीं मिलते तो फिर वो जो $7 अरब का कर्जा है ना आईएमएफ का, जो लोन है वो भी खटाई में पड़ जाएगा, फिर उसके मिलने के भी इम्कानात नहीं है। तो चाइना तो हमारा बहुत दोस्त है, समंदर से गहरी और आसमानों पहाड़ों से ऊंची, चाइना की तरफ क्यों नहीं जाते? शहद से मीठी, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, लेकिन वो सारा कुछ जो है ना वो ठीक है अपनी जगह होगा, लेकिन बहरहाल वो पैसे नहीं देंगे अब आप। लेकिन सर क्या हुआ है पाकिस्तान की, जो कह लीजिए चाहे पॉलिटिशियंस हो या पब्लिक हो, अब हमें क्या शर्म नानी बंद हो गई है कि हम मतलब किसी से बार बार लोन मांग रहे हैं, मुल्क जो है वो सिर्फ कर्जों पे चल रहा है, ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, ना काम करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है हमारे लोगों में? जो मुल्क चला रहे हैं जी, वो इस वक्त जो है ना वो सर्वाइवल की गेम चल रही है, और यही हाल जो है ये बाकी और इदारों के जो ऊपर लोग बैठे हैं उनका भी है कि वो भी अब टाइम मांग रहे हैं, अदरवाइज कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज तो है ही नहीं। यानी जहाँ पे के कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जहाँ पे कोई एक आपकी पॉलिसी ही नहीं। अब कल क्या हुआ है, कल जब वो गिरफ्तार किया जा रहा था पार्लियामेंटेरियंस को गैर कानूनी तरीके से, पार्लियामेंट की हदूद से, पार्लियामेंट से जब पकड़ के लोगों को ये वो वैगनों में ठोंस रहे थे। शाह साहब, ये सारी जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, ये इसकी जिम्मेदारी किसके सर पे आयद होती है? पीटीआई ने क्या जो जलसा किया था उसी का हम देख रहे हैं कि उसमें चूंकि ललकारा गया था, हमने देखा कि ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को बल्कि जिस तरह से कहा गया कि लाहौर का रुख करेंगे। देखिए मामला बड़ा सीरियस है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आप लोगों को घसीट के निकालते रहे, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का तकज्जुब तो ये खुद ही पामाल करते हैं, फिर लोगों को जाके कहते हैं कि जी पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है और इसको बड़ी इज्जत देनी चाहिए। कोई कहता है वोट को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव इज्जत अपनी मर्जी के मुताबिक, जब इनका दिल चाहे इज्जत दो, जब दिल चाहे ठुड्डे मारो। अब जुमे के दिन जो है कॉल दी गई है अक्रॉस द बोर्ड के पूरे मुल्क में हड़ताल हो। अब आप मुझे ये बताएं कि एक और दिन ऐसा होगा जिसके अंदर कई खतरात मजीद बढ़ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए दो वजूहात हो सकती है, या तो हुकूमत खुद अपने हालात से तंग है, वो भी कहती है कि किसी के सर चढ़ जाया जाए, कोई मामलात हों, मुल्क के अंदर इनार्की फैले, और इन दोनों अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो चपकलिश है वो मेरे ख्याल में मुल्क की सूरत हाल बड़ी ज़्यादा नाजुक है।